हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो हमने कुछ दिन पहले VCP पैटर्न के ऊपर डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि VCP पैटर्न आपको एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट देता है, और अगर आप VCP पैटर्न के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो तो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल बन सकता है, क्योंकि वो आपको एक सुटेबल एंट्री और एग्जिट पॉइंट देता है। और सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही चाहिए। लेकिन जो VCP पैटर्न है उसके बेसिस पे भी आपको ट्रैप किया जाता है। जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो VCP पैटर्न के बेसिस पे भी आपके लिए जाल बिछाते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा उसके बाद फॉलो अप वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि VCP पैटर्न के बेसिस पे जो ट्रैप बिछाया जाता है, जो जाल बिछाया जाता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने VCP पैटर्न के ऊपर वीडियो बनाया था और इसमें आपको बेस्ट और परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिला था। तो इसके बेसिस पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज कीजिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसी का हम फॉलोअप वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा तो ये वीडियो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो सबसे पहले VCP पैटर्न का हम यूज कैसे करते हैं वो आप सीखिए, उसके बाद इसके बेसिस पे जो ट्रैप बिछाया जाता है, जो जाल बिछाया जाता है जिससे आपको नुकसान होता है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप ये दोनों वीडियो को एक साथ देख लेंगे कंबाइन करके, तो आप बहुत हद तक अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और VCP पैटर्न के बेसिस पे जो ट्रैप बिछाया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो VCP पैटर्न के बेसिस पे जो ट्रैप बिछाया जाता है उस ट्रैप से बचने के लिए आपको कुछ पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम उस पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, फिर हम चार्ट पे आएंगे और उन सारे पॉइंट को हम वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए उन सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। VCP पैटर्न के बेसिस पे जो फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है उससे आपको बचना है, यानी VCP पैटर्न के बेसिस पे जो ट्रैप बिछाया जाता है, जो जाल बिछाया जाता है उससे आपको बचना है। तो आपको इन पांच पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि जब ब्रेकआउट देने जा रहा है VCP पैटर्न के बेसिस पे, तो ब्रेकआउट से पहले जो की मूविंग एवरेज है आपका, इंपोर्टेंट मूविंग एवरेज है 50, 100 और 200, तो प्राइस आपका इन तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। जब ये ब्रेकआउट देने जा रहा उससे पहले अगर प्राइस इन तीनों मूविंग एवरेज से नीचे है तो उस टाइम पे आपको इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। उस टाइम पे आपको जो ब्रेकआउट दे रहा उस पर भरोसा नहीं करना है। पहला पॉइंट है कि जब ब्रेकआउट देने जा रहा तो हम 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे और 200 तीनों में आपको SMA यूज करना है, और इन तीनों के प्राइस ऊपर है तभी हम इस पैटर्न के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब ये ब्रेकआउट देने जा रहा है, यानी उसका जो नेक लाइन बनता है उस नेक लाइन को ब्रेक करने जा रहा है, उस टाइम पे हम कैंडल्स के स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। अगर कैंडल में स्ट्रेंथ दिख रहा है दैट मीन्स टू वो जो ब्रेकआउट देने जा रहा है वो भरोसेमंद ब्रेकआउट है। अगर कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा मतलब ये जो ब्रेकआउट देने जा रहा है वो आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, वो आपका ट्रैप हो सकता है। तो कैंडल में स्ट्रेंथ दिख रहा तभी हम VCP पैटर्न के बेसिस पे जो ब्रेकआउट मिलेगा उस पर भरोसा करेंगे, तभी हम जाएंगे। अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलता तो फिर हम नहीं जाएंगे। दूसरा चीज़, कैंडल के स्ट्रेंथ को आपको चेक करना है। तीसरा पॉइंट, आपको यहाँ पे वॉल्यूम पे भी फोकस करना है। वॉल्यूम आपका जितना नॉर्मल वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। तो तीन चीज़ें, आपका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, कैंडल में स्ट्रेंथ दिखना चाहिए और कैंडल की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो पहला तीन पॉइंट को फॉलो करता है तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज पहला तीन में से किसी एक पॉइंट को भी फॉलो नहीं करता है तो फिर हम इस पैटर्न को यहीं पर ड्रॉप करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो ब्रेकआउट मिल सकता है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, वो आपके लिए ट्रैप हो सकता है जो कि आपको फंसाने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो शॉर्ट बायस्ड होते हैं उनका भी ट्रैप होना ज़रूरी है। अगर वो ट्रैप हो जाते हैं तो जो लेवल ब्रेक होता है वो आपका एक तगड़ा सपोर्ट लेवल बन जाता है, क्योंकि उस लेवल के पास जब प्राइस आता है जो लोग ट्रैप हुए हैं वो लोग निकलना चाहते हैं, इसलिए वो लेवल ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी सिक्योर हो जाता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट बायस्ड है उनका भी ट्रैप होना जरूरी है, वो भी हम चेक करेंगे कि ट्रैप हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। ये आप ऑप्शन चेन से भी चेक कर सकते हैं, चेक करने का बहुत तरीका है, इसके ऊपर हमने कई वीडियो भी बना रखे हैं, उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
पांचवा और इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि जब आपका प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है उस टाइम पे क्या करेगा, जो आपका नेक लाइन है, जो आपका रेजिस्टेंस लाइन बन जाता है, उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, जो सपोर्ट लाइन बनता है वो आपका नेक लाइन बन जाता है और उसको ब्रेक करके नीचे आता है। तो जब ये ब्रेकआउट देता है तो हमें चेक करना है कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से कितना ऊपर है। तो यहाँ पे चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और इन सारे पॉइंट के बेसिस पे वेरीफाई करते हैं कि जो ब्रेकआउट मिला है क्या वो सस्टेनेबल है, रियल है या फिर हमारे लिए ट्रैप है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेमन ट्री के डेली चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे हमने उन्हीं सारे स्टॉक का सिलेक्शन किया जिसका हमने VCP पैटर्न वाले वीडियो में सिलेक्ट किया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें VCP पैटर्न देखने को मिला, यानी वॉलेटिलिटी कंप्रेशंस पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिला है और इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था जो कि हमने आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे पहले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम चार्ट पे चलते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस वाले पोजिशन पर फोकस करना, यहाँ पे देखिए हमारा ये नेक लेवल था, यानी नेक लाइन था, इसको ब्रेक करके कैंडल ऊपर निकला। तो क्या नेक लाइन को ब्रेक करते ही हम यहाँ पे ब्रेकआउट के रूप में ट्वीट करेंगे? नहीं, हम पांच पॉइंट को फॉलो करेंगे। पांच पॉइंट क्या था, चलिए उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था कि मूविंग एवरेज को होल्ड करना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। कैंडल में स्ट्रेंथ होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। तो कैंडलस्टिक में स्ट्रेंथ है या नहीं है, आपको इस कैंडलस्टिक फोकस करना पड़ेगा, रेड वाला कैंडलस्टिक। यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको अच्छा खासा टेल देखने को मिल रहा। ऊपर में टेल का मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन ब्रेकआउट के टाइम में जो वायर्स है वो यहाँ पे कमजोर है, वीक है। तो कैंडल में स्ट्रेंथ है क्या? कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, यानी इसने दूसरे पॉइंट को फॉलो नहीं किया। पहला पॉइंट क्या था कि मूविंग एवरेज से ऊपर रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मूविंग एवरेज जो है वो ऑलरेडी एडेड ही है। अब यहाँ पे हमें देखना है ये कि मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे वॉल्यूम पे भी फोकस करना था, वॉल्यूम भी ज़्यादा था तो सारा पॉइंट को फॉलो कर रहा था लेकिन एक पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा था और उस पॉइंट के बेसिस पे हमने रिजेक्ट किया। उसके बाद हमें क्या पता चला, ये जो था ये हमारे लिए ट्रैप था, यानी जाल बिछाया गया था, ये आपका रियल ब्रेकआउट नहीं था। VCP पैटर्न के बेसिस पे रियल ब्रेकआउट उसके जस्ट बाद दिया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें रियल ब्रेकआउट मिला। क्यों? पहला पॉइंट, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, यस ऊपर है। दूसरा पॉइंट, कैंडल में स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, कैंडल में स्ट्रेंथ दिख रहा है, दूसरा पॉइंट इज सेटिस्फाई। तीसरा पॉइंट, वॉल्यूम होना चाहिए नॉर्मल से ज़्यादा, देखिए नॉर्मल वॉल्यूम इतना ही है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तीसरा पॉइंट भी इसने सेटिस्फाई किया। चौथा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और देखिए कैंडल अच्छा खासा ऊपर की तरफ है, यानी ज़्यादा ऊपर तो नहीं लेकिन फिर भी ऊपर है और जो प्राइस स्टार्ट हुआ था काफ़ी नीचे से स्टार्ट हुआ था, इसलिए कैंडल का लेंथ भी ज़्यादा और उसके बाद जो फॉलो अप कैंडल दिया वो भी काफ़ी ऊपर तक गया। तो इस लिहाज से जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो जो रेजिस्टेंस लाइन है उससे ऊपर है, सफिशियंट अमाउंट में ऊपर है, तो इसलिए ये आपका फोर्थ पॉइंट को भी फॉलो कर रहा और इवन आपका ये फिफ्थ पॉइंट को भी फॉलो कर रहा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये आपका एक सस्टेनेबल और एक रियल ब्रेकआउट है और इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम होता है तो फिर हम इसको सस्टेनेबल ब्रेकआउट ही मानेंगे, हम इसको जेन्युइन ब्रेकआउट ही मानेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉल्स ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकआउट के बीच में डिफरेंस देख लिया। हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी हम वापस से अदानी पावर के वीकली चार्ट में आ रहे हैं और VCP पैटर्न बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था टाइम फ्रेम को लेके। तो अगर आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं या फिर वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंट्राडे करना चाह रहे हैं तो इसमें आप इंट्राडे भी ट्रेड ले सकते हो लेकिन इंट्राडे में भी मिनिमम आपको आवर्ली टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा 1 आवर। 1 आवर से नीचे आप नहीं जा सकते क्योंकि 1 आवर से नीचे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो काफ़ी कम हो जाएगा और बहुत सारे आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। इसलिए हम फिल्टर करते हैं और यहाँ पर हम मैक्सिमम आवर्ली टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। और अगर आप आवर्ली टाइम फ्रेम के बेसिस पे इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो VCP पैटर्न को आप सिर्फ डिलीवरी ट्रेड में ही यूज कीजिए। बहुत सारे लोग आवर्ली टाइम फ्रेम के बेसिस पे इंट्राडे में भी ट्रेड लेते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस पैटर्न को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये जो नेक लाइन था उसको ब्रेक करके ऊपर निकला स्लाइटली, तो क्या ये आपका रियल ब्रेकआउट है या नहीं है?
यहाँ पे हमें पहला क्या पॉइंट फोकस करना पड़ेगा, तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर है, यस तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर है। दूसरा कैंडलस्टिक में स्ट्रेंथ है, देखिए कैंडलस्टिक में स्ट्रेंथ तो हमें दिख रहा है, लेकिन ऊपर में देखें तो इतना बड़ा आपको टेल भी दिख रहा है, ऊपर में टेल का साइज यहाँ पे ज़्यादा है, ऊपर में टेल का साइज ज़्यादा है मतलब कैंडल कमजोर है, ज़्यादा कमजोर नहीं है, अभी भी यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और बायर्स अभी भी मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन कैंडल में जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए था, हमें ऊपर में टेल ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें ऊपर में टेल मिल रहा, इसलिए इस कैंडलस्टिक पे भरोसा नहीं करेंगे। कैंडलस्टिक मजबूत तो है लेकिन जितना मजबूती हमें चाहिए उतना मजबूत ये यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, इसलिए इस कैंडलस्टिक पे भरोसा नहीं करेंगे। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट मेरा फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए सारा कुछ को यहीं पर रिजेक्ट करेंगे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देख सकते हैं प्रीवियस कैंडल पर जितना वॉल्यूम है उसके डबल के बराबर है, लेकिन उस लिहाज से ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा और उसके अगले कैंडल पर निगेटिव वॉल्यूम देखने को मिल गया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें हिंट दे देता मार्केट जो ब्रेकआउट है वो आपका फॉल्स ब्रेकआउट है, तो आपको बस वही इंटरप्रेट करना है। अगर आप वो सारा कुछ इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे तो इस पैटर्न के बेसिस पे जो आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है वो आप फिल्टर कर पाओगे, फिर आपका एक्यूरेसी इस पैटर्न के बेसिस पे मोर देन 90% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट को हम काउंट करते हैं, यहाँ पर देखिए इस कैंडलस्टिक में ऊपर में इतना टेल है और यहाँ पर देखिए टेल एकदम छोटा सा है, अगर इतना टेल रहता है तो फिर बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा टेल यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वॉल्यूम भी देखिए जितना यहाँ पे वॉल्यूम उससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है, यानी ये आपका फर्स्ट ट्रेल लेके फिफ्थ पॉइंट सबको सेटिस्फाई कर रहा है इस पॉइंट के बेसिस पे अगर हम बात करें। और उसके बाद देखिए प्राइस आपका ऊपर की तरफ निकला और ज़बरदस्त ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो वापस से आप एक बार और जाके वो वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फोकस है कि सिर्फ आप फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं, यहाँ पे देख लें हमने फॉल्स ब्रेकआउट से बचा, कैंडल में स्ट्रेंथ होना चाहिए और वॉल्यूम आपका नॉर्मल वॉल्यूम से डबल होना चाहिए, यही दो क्राइटेरिया है मेन। उसके बाद देखिए ये आपका नेक लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है और इससे अच्छा खासा ऊपर भी है ब्रेकआउट दिया है, मतलब ये भी आपका सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, यानी ये जो आपका रेजिस्टेंस लाइन था इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो वापस से इस सपोर्ट लाइन के ब्रेक होने के चांसेस कम होने चाहिए जो कि कम दिख रहे हैं, इसलिए ये आपका रियल ब्रेकआउट माना जाएगा। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम वापस से आ जाते हैं VIP इंडस्ट्री के डेली चार्ट पे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपका ये VCB पैटर्न है, ये आपका एक अलग तरह का VCB पैटर्न है जो कि हमने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कैंडलस्टिक है जो कि हमें ब्रेकआउट के हिंट और इंडिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन उन सब कैंडलस्टिक पे अगर आप फोकस करोगे तो कैंडल में आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हो कि कैंडल में आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा और क्लैरिटी से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक है जो कि नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश किया, लेकिन उन सारे कैंडलस्टिक में क्या कॉमन है कि नेक लाइन के करीब या उससे ऊपर सिर्फ आपको यहाँ पे शैडो ही देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ कैंडलस्टिक में टेल ही देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ टेल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बायर्स यहाँ पे कमजोर हुए, बायर्स वीक हुए, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, बायर को भरोसा नहीं है मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए इन सारे ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। और वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम भी आप देख सकते हो वॉल्यूम आपका एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, कहीं कहीं भी वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन उसमें एक बात भी ऊपर में आपको टेल देखने को मिल गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं कैंडल भी ब्रेकआउट दिया है लेकिन कंप्लीटली ऊपर में टेल भी है, वॉल्यूम भी आपका एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम रियल ब्रेकआउट को देखें तो आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए यह कैंडलस्टिक भी आपका फॉल्स ब्रेकआउट की कैटेगरी में आएगा, यह कैंडलस्टिक आपका ब्रेकआउट दिया है लेकिन ऊपर में आपको टेल बना, लेकिन टेल बना कब है, ब्रेकआउट देने के बाद, यह जो लाइन है इस लाइन से ऊपर भी आपको अच्छा खासा बॉडी पार्ट है, तो अगर इस कैंडलस्टिक में कन्फ्यूजन है तो इस कैंडलस्टिक को आप छोड़ भी सकते हैं, एक और कैंडलस्टिक को कन्फर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला कैंडलस्टिक देखिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा तो उसके बेसिस पे आप जा सकते हैं, कैंडलस्टिक में स्ट्रेंथ दिखा, वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम हमें इसके बराबर है और एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, लगातार तीन चार कैंडल पर वॉल्यूम देखने को मिला है, ये जो ब्रेकआउट है ये आपका सस्टेनेबल है, रियल ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से आप
यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट और यहाँ पे रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। तो अगर आप ये सारा कुछ फिल्टर कर लेंगे तो वीसीबी पैटर्न का एक्यूरेसी और इंक्रीज कर लेंगे और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा कि वीसीबी पैटर्न के बेसिस पे जो ट्रैप बिछाया जाता है, जो जाल बिछाया जाता, उससे आप कैसे बच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके। जय हिंद।